है हमारा डे 3 और हम आए हैं काला कावेरी टेम्पल। गाइज अब हम आ चुके हैं काला कावेरी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये इसके लिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से रिवर कावेरी का उद्गम स्थान था। तो आप देख सकते हैं ये हाइट पर लोकेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जींस शॉर्ट्स ये अलाउ नहीं है। सो गाइज ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं ये है नीलगिरी माउंटेन्स, जो कि बहुत ही फेमस माने जाते हैं, और ये वेस्टर्न घाट में है। कर्नाटक एंड ईस्टर्न केरला इंडिया में होते हैं ये। यहाँ की दो हाईएस्ट पीक है, एक अनाईमुड़ी है और एक डोराबेटा है। सो चलिए चलते हैं। इतना अच्छा नहीं मिलता। सो चलिए आज मैं आपको कुछ काला कावेरी टेम्पल के बारे में बताती हूँ। सो ये टेम्पल कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है, जो कि महालक्काली को रेफर करता है। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही साल पुराना है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। सो और सबसे मेन कि यहाँ से रिवर कावेरी को ओरिजिनेशन है। सो चलिए चलते हैं। तो गाइज इसके अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है। ये जो कुंड है ये है कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर एक सिल्वर प्लेटेड एक छोटा सा मंदिर है। सो वो है कावेरी का उद्गम स्थान, यानी कि कावेरी रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो अब हम आ चुके हैं ग्लास ब्रिज, जो कि ओनली 100 मीटर ही है। सो चलिए देखते हैं। दिस इज अ ग्लास ब्रिज ऑफ मैजिक एवेन्यू। इधर से लेकर नीचे का लेंगे कुर्ग का। सो चलिए देखते हैं कि रात को रिजॉर्ट कैसे लगता है। अपने गन बैठे देखना गन बैठे
सो हमने मंगवाया है वुडन पिज्जा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, सो चलिए खाते हैं। सो गाइस आज है हमारा डे 4 और हम जा रहे हैं बंदीपुर नेशनल पार्क और फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊटी। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस हमें फाइनली टाइगर दिख गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइगर दिखा है रोड पे चलता हुआ। सो हम आ चुके हैं ऊटी के क्लब महिंद्रा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बट ऊटी मतलब बहुत ही क्राउड सिटी है। कि मैं आपको थोड़ा ऊटी दिखाती हूँ कैसा दिखता है ऊटी। छोटा नहीं है, बड़ा है और काफी फैला हुआ है और यहाँ पर सब कुछ है, मतलब मार्ट है, मॉल है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा मार्केट है, बस यहाँ पर एक बैड पॉइंट है कि मार्केट में 0% जगह है, टैक्सी नहीं रख सकते आप। सो मैं हूँ ऊटी में तो आप पीछे देख सकते हैं ऊटी। सो चलिए फटाफट से रूम में चलते हैं। अगर रिसेप्शन है हमारे रूम में, सो लेट्स गो। ये हमारा क्यूट सा रूम। सो हमने दो रूम लिया है, वन इज मम्मा डैडी का एक है और एक ये वाला हमारा है। हाँ सो गाइस ये है हमारा मिनी सा रूम। सो अंदर आइए, कैमरामैन आपको पता ही है कौन होगा, एज ऑलवेज खुशी। सो बहुत ही क्यूट रूम है, बहुत ही छोटा सा रूम है तो आप देख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है रूम में, एक बेड है, यहाँ पर सोफा है और पूरा अपना लगेज रखने का है, यहाँ पर एक मिरर है और ये बाथरूम है, बाथरूम आप देख सकते हैं, ये यहाँ का बाथरूम है, बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली हमने दो रूम्स लिए हैं तो ये मेरा और खुशी का रूम है और ऐसे सेम डिटो कॉपी उधर रूम में मम्मी पापा का। सो बस यही था यहाँ का रूम टूर, तो सबसे ज्यादा क्यूट और सोफा, सबसे ज्यादा अच्छा सोफा। और इसके बाद मैं आपको कल पूरा यहाँ का क्लब महिंद्रा दिखाऊंगी और उसके बाद जो जो चीज हम आज घूमे हैं वो मैं इस ब्लॉग में डालूंगी। सो ब्लॉग जरूर देखना। गुड बाय।